आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल थैंक यू में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग कहते हैं बुरा समय चलता है, यानी लोग कहते हैं कि जो बुरा समय हमारा चल रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता हमें, हम कैसे करें, हमारा जीवन इतना दुख है, तकलीफ है, हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहन जो भी हमारे परिवार में सदस्य हैं, जो भी लोग हैं वो परेशान हैं। देखिए बात यह है कि जीवन में अगर मानव का जो जीवन है उसमें दुख दुख ही दुख है, क्योंकि आदि से लेकर के आज तक चला आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस धरती पे रहोगे, उतना मेहनत करोगे लेकिन उतना फल नहीं पाओगे, मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन पाओगे बहुत कम, इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में दुख ठहराया है। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं, बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज का हमारा देखते हैं पहला वचन होगा, हम पढ़ेंगे जैसे लिखा है, पढ़ते हैं हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 16 में। पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर, भरोसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यानी यूहन्ना पुस्तक में कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जैसे अभी 25 दिसंबर कल ही था, लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत धूमधाम से परमेश्वर के जन्म के उत्साह रहे और मनाए, और आप सभी को मैं बधाई करता हूँ क्योंकि उस समय नेट चल नहीं रहा था सही से, तो मैं लाइव नहीं कर पाया हूँ, हालांकि अब मैं लाइव करूंगा, आप जरूर आइएगा, हम पोस्ट कम्युनिटी टैब में करेंगे, वहां पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हम आपसे लाइव कब बात करें। तो जैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य और दी है कि अपने पुत्र को भेजा है कि उस पर हम विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को एक बार विनाश कर चुके हैं। जैसे नूह के समय में हम पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़े हैं कि जैसे नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा विनाश किया धरती का, लेकिन परमेश्वर ने वादा भी किया कि मैं इस धरती को दोबारा कभी जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा, इसीलिए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को भेजे परमेश्वर ने हम पापियों को बचाने के लिए। तो हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर का वचन, मात्र परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 8 में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा, इसलिए मत डर क्योंकि तेरा मन कच्चा ना हो। जब अपनी जिंदगी में आपका मन हारने लगे तो ये वचन को आप जरूर पढ़िएगा एक बार, विश्वास के साथ भरोसा रखिए, एक न एक दिन परमेश्वर आपके हर वो दुख तकलीफ को मिटा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचन पे बना है मैं उसके जीवन में बना रहूंगा, इसीलिए आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करते रहिए निरंतर। जैसे हम पढ़ते हैं आपका कभी मन कच्चा ना हो, भरोसा रखिए, मानता हूं दुख तकलीफ आने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए परमेश्वर को आप दुखों में भी याद करिए, खुशी में तो कोई नहीं याद करता लेकिन दुख में तो हमेशा लोग याद करते हैं। तो देखते हैं जैसे लिखा है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर 22 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारा बोझ है, जो बोझ से हम दबे हैं, उसको हम यहोवा पर डाल दें क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा, वह धर्मी को कभी ना टलने देगा। परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन पर बना है एक न एक दिन वो रास्ते पर आ ही जाएगा, सही हो जाएगा, भले वो कुछ गलतियां करता हो, इंसान है, इंसान के तो गलतियां करना तो छोड़ नहीं सकता है लेकिन कुछ कम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे सुधारेगा और सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश हम करेंगे, और हम भी परमेश्वर के वचन को सही सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। जैसे लिखा है भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में, यहाँ पे पढ़ेंगे परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर जो हमारा है सहायक है, वो हमारा शरण स्थान, बल, हमारी ताकत है, हमारा सब कुछ परमेश्वर हमारा है, क्योंकि वो हमारा बल और ताकत है। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर सहायक है। यहोवा हमारा हर मुसीबत, तकलीफ, दुख में सहायता करता है। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 33 में, यहाँ पे पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और परंतु धनस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तुम विश्वास रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने इस संसार को जीत लिया, विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को ठीक करूंगा, और उस पर आप प्रार्थना करिएगा जरूर। जैसे हम अगले वचन भी पढ़ सकते हैं, यशा के पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर 1 में, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, मैंने तुझे नाम ले करके बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर के बुलाया है। परमेश्वर ने क्यों नहीं संसार के लोगों को चुना? बहुत सारे संसार में लोग भरे पड़े, करोड़ों, पता नहीं कोई गिनती नहीं है कितने लोग भरे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने वचन पे चलाएगा, और सही रास्ता हमें एक न एक दिन मिल जाएगा। तो इसीलिए बने रहें परमेश्वर के वचन पर और प्रार्थना करते रहें। और हम कुछ वचन यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे इसी में पढ़ते हैं, 2 पढ़ेंगे, जब तू जल में हो करके जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदिया में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जब तू नदिया में चलेगा, यानी जब तू बड़ी बड़ी मुसीबतों से चलेगा, तब परमेश्वर कहता है कि तुझे वो कभी ना डुबा सकेगी। तकलीफ तो होगी, दुख होगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो तुझे पल भर के लिए रहेगा, तेरे पास पल भर के लिए रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू आग में चले जब तुझे आंच ना लगेगी। जब हम आग में चले, यानी इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी, तो हमें एक पल के लिए भी ऐसा ना लगेगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा, विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है। तो जैसे हम पढ़ते हैं 3 में, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरी शांति क्रूस और सभा को देता आया हूँ। परमेश्वर ने हमारा कहा है कि मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। तो आगे देखते हैं, लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर ने हमें कहा, हम सब मसीह भाई बहनों को कहा है कि तू प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझ से प्रेम रखता हूँ, कि इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। वचन में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमें बार बार इस बात को कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत से आशीष दे। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।